असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा अपने राज्य में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। यह एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह जाएगी। दरअसल हिमंता बिस्व शर्मा ने असमिया अस्मिता की पहचान बन चुके बिहू डांस को दुनिया भर में चर्चा में लाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए बिहू डांस के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। चौदह अप्रैल को राज्य के 11,000 से अधिक कलाकार बिहू डांस करके यह रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। राज्य के सभी जिलों के 11,000 से ज्यादा कलाकार गुवाहाटी के सुरस जाई स्टेडियम में 15 मिनट तक एक साथ बिहू डांस का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में इस लोक नृत्य में इतने लोगों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना है और इसे लोक नृत्य श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करना है। शर्मा के बयान के मुताबिक सरकार ने बिहू नृत्य की एक वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भेज दी है जिसने शुरुआती स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा अगर हम योजना के अनुसार चलने में कामयाब रहे तो एक ही स्थान पर बिहू नृत्य का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। इस रिकॉर्ड को बनाने वाले कलाकारों के चयन में भी काफी सावधानी बरती गई है। कलाकारों में 70% महिलाएं और 30% पुरुष हैं। वहीं गायकों और पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, ताल, गोगोना, टोका, पेपा और जुतली बजाने वाले कलाकार भी इसमें शामिल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के बिहू डांस करने वाले कलाकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को लेकर उत्साहित हैं और कलाकार लंबे समय से इसका रिहर्सल भी कर रहे हैं। बिहू क्षेत्रीय रूप से विकसित हुआ है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य से कलाकारों को चुना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक ही रूप में नृत्य करना होगा। अगर 10% कलाकार भी लय में नहीं रहेंगे तो विश्व रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए मॉडल कोरियोग्राफी इस तरह से की गई है कि इसे सभी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।